आज से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो सकता है इंडिया में बैन। ये एक ऑफिशियल न्यूज है। आप देख सकते हैं सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और आर्टिकल्स इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अरमान मलिक ने भी इसके बारे में रिएक्ट करते हुए क्या बताया, जब एक फैन ने पूछा, बाय द वे व्हाट्स योर थॉट ऑन द ट्विटर फेसबुक बैन थिंग। अरमान ने रिप्लाई किया, कुछ भी हो जाए हम नहीं रुकेंगे, वी विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू कनेक्ट विद यू गाइस। आपको पता होगा अरमान ट्विटर और इंस्टाग्राम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ट्विटर पे फैंस को फॉलो करते हैं और उनके साथ हर फ्राइडे को फ्राइडेज विद अरमान Q&A सेशन करते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारा सारे अपडेट्स का सोर्स बंद हो जाएगा। हम सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम लाइव और ट्विट से देते हैं। ना ट्विटर पे फ्राइडेज विद अरमान होंगे, ना कुछ Q&A होंगे, ना ट्रेंड होंगे, ना इंस्टाग्राम पे लाइव होंगे जिसका वीडियोस आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। सब कुछ बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं हर कोई इसी के बारे में ही शेयर कर रहा है। दरअसल बैन होने का कारण यह है कि 3 महीने पहले गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया के लिए एक नया रूल्स बनाए थे और 3 महीने का डेडलाइंस दिया था, और 25 मई तक इसका डेडलाइन था। कल 25 मई था और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने अभी तक उन रूल्स को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए ये न्यूज़ निकल कर आई है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आज से बैन हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, द 3 मंथ डेडलाइन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एक्सेप्ट दिस गाइडलाइंस एंड टुडे मई 25। इसका मतलब मई 25 कल ही इसका डेडलाइन ख़त्म हो चुका है और आज कुछ फैसला निकल कर आ सकते हैं गवर्नमेंट से, अगर इन कंपनियों ने न्यू रूल्स अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए तो। आपको क्या लगता है, हो सकता है क्या बैन? आपको कैसा लगा ये अपडेट्स कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना और भी ऐसे अपडेट्स के लिए, और चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच।